गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ बीएड फर्स्ट ईयर सेशन 2019-2021 पेपर टू सी टू यूनिट फोर इंडियन थिंकर्स लेक्चर 19 स्वामी विवेकानंद के शैक्षिक विचारों का वर्णन करें। स्वामी विवेकानंद का जन्म मकर संक्रांति के दिन 1863 ईस्वी में तत्कालीन कलकत्ता और आधुनिक कोलकाता के सुप्रसिद्ध वकील श्री विश्वनाथ दत्त के सुपुत्र के रूप में कोलकाता नगर में हुआ। इन्हें श्री रामकृष्ण परमहंस जैसे विद्वान आध्यात्मिक गुरु मिले जिससे इनके व्यक्तित्व में चार चांद लग गए। इनका शैक्षिक दर्शन है वेदांत के दरवाजे सबके लिए खुले रहने चाहिए। वेदांत कहते हैं वेदों के अंत में जो सात उपनिषद लिखे गए उन्हीं को वेदांत कहते हैं। तो पहला इनका दर्शन है कि वेदांत के दरवाजे सबके लिए खुले होने चाहिए, इसमें किसी प्रकार का जाति लिंग धर्म इत्यादि का भेदभाव नहीं होना चाहिए। दूसरा, मैकाले के अंग्रेजी प्रधान शिक्षा नीति के खिलाफ इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए, क्योंकि उस अंग्रेजी शिक्षा नीति को पढ़ करके भारतीय केवल बाबू बनते थे, व्यावहारिक धरातल पर उनसे किसी उत्तम कार्य की कल्पना नहीं कर सकते थे। तो दूसरा है, मैकाले की शिक्षा नीति के खिलाफ इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। तीसरा है, एकाग्र चित्तता पर जोर, बच्चों को एकाग्र चित्त होना चाहिए, इसके लिए मनन की आवश्यकता होती है। चौथा है, ज्ञान कहीं बाहर से नहीं आता है, वह मानव के अंदर ही निवास करता है। पांचवा है, इन्होंने व्यावहारिक शिक्षा पर अधिक जोर दिया। सैद्धांतिक शिक्षा ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ व्यावहारिक शिक्षा भी होनी चाहिए, केवल किताबी ज्ञान पर्याप्त नहीं है। शिक्षा से बालकों का सर्वांगीण विकास हो, बालकों का शारीरिक विकास हो, मानसिक या बौद्धिक विकास हो और उनका आध्यात्मिक विकास हो। चौथा है, बालक बालिकाओं के लिए एक समान शिक्षा होनी चाहिए। चरित्र निर्माण पर इन्होंने विशेष जोर दिया, गांधी जी के समान चरित्र निर्माण ही सबसे प्रथम इनका शैक्षिक दर्शन है। जिसका चरित्र उज्ज्वल है, कांतिमय है, वही व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ सकता है। पाठ्यक्रम में लौकिक एवं आध्यात्मिक विषयों का समावेश होना चाहिए। पाठ्यक्रम में जो हम पढ़ते हैं हिंदी, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, इनको कहते हैं लौकिक विषय। और एक होता है आध्यात्मिक विषय, जैसे शास्त्र है ना, वेदांत। स्त्री शिक्षा का केंद्र धार्मिक शिक्षा हो, क्योंकि स्त्रियां जो हैं, महिलाएं, वे कुशल गृहिणी होती, उनकी शिक्षा धार्मिक शिक्षा प्रदान हो। प्राविधिक शिक्षा पर इन्होंने जोर दिया, टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन पर जोर दिया, क्योंकि टेक्नोलॉजी के विकास से ही देश आगे बढ़ सकता है। केवल किताबी ज्ञान पर्याप्त नहीं है, व्यावहारिक ज्ञान भी होना चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट है, आत्म संयम की प्रधानता, सेल्फ कंट्रोल, अपने ऊपर कंट्रोल कर लेना, जो
मन से भी हो, वचन से भी हो और कर्म से भी हो, वही सब शिक्षा का अर्थ है। शिक्षा का अर्थ मनुष्य में निहित शक्तियों का पूर्ण विकास है, न कि मात्र सूचनाओं का संग्रह। शिक्षा के उद्देश्य में है बच्चों का शारीरिक विकास, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क वास करता है, पूर्णत्व को प्राप्त करना। हम यहां से आए हैं और पुनः हमको उसी में जाकर मिल जाना है, तो इसका जो है ज्ञान हमें होना चाहिए। उसके बाद है मानसिक या बौद्धिक विकास, जो विद्यालयों में होता है। चरित्र निर्माण को इन्होंने खोल दिया है ना। और धार्मिक विकास, शिक्षा ऐसी हो जिससे मनुष्य का धार्मिक विकास हो सके। धार्मिक विकास मतलब हम लोग एक ही ईश्वर के संतान हैं, हम लोगों में आपस में किसी प्रकार के कोई भेदभाव नहीं हो, यही धार्मिक विकास है। डी है पाठ्यक्रम, इनके अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण का आधार धर्म और मूल्य होने चाहिए तथा इसमें लौकिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के विषयों का समावेश होना चाहिए, जिसकी चर्चा हम ऊपर कर चुके हैं। नेक्स्ट है शिक्षण विधि, इसमें है चित्त वृत्तियों के निरोध के लिए योग विधि का प्रयोग, जो आजकल बाबा रामदेव जी भी करा रहे हैं, विभिन्न प्रकार के योग का अभ्यास, जिससे क्या होता है कि चित्त की जो वृत्तियां हैं वे नियंत्रित होती है। अनुकरण विधि, छात्र जो है शिक्षक का अनुकरण करते हैं, इसीलिए शिक्षक का चरित्र, शिक्षक का व्यक्तित्व अगर अच्छा है तो उसका अच्छा असर छात्रों पर पड़ता है, खराब रहने पर खराब असर पड़ता है। इसी को कहते हैं अनुकरण विधि, शिक्षक को देखकर छात्र अनुकरण करते हैं। केंद्रीकरण विधि, केंद्रीकरण विधि क्या है, सभी विधियों को, सभी विषयों को एक साथ मिलाकर पढ़ाना है। विचार विमर्श, छात्रों को खुली छूट देनी चाहिए उनको अपना विचार व्यक्त करने के लिए, उन्हें मौका दिया जाना चाहिए। व्याख्या, उन्हें बोलने देना चाहिए किसी बिंदु पर। उपदेश एवं तर्क विधि, उनको जो है तर्क करने का अधिकार दिया जाना चाहिए किसी टॉपिक के पक्ष या विपक्ष। निर्देशन एवं परामर्श विधि, छात्रों के साथ उनका जो है व्यक्तिगत साक्षात्कार करके उनका झुकाव किस ओर है इसकी जानकारी है शिक्षक को करनी है, यही निर्देशन एवं परामर्श विधि, गाइडेंस एंड काउंसिलिंग मतलब कहलाता है। छठा है प्रयोग विधि, बच्चे सैद्धांतिक ज्ञान उन्हें मिल जाता है लेकिन व्यावहारिक धरातल पर ये जो है शून्य हो जाते हैं, इसीलिए किसी भी चीज को प्रयोगशाला के माध्यम से, खासकर विज्ञान के विषयों को प्रयोगशाला के माध्यम से पढ़ाना चाहिए। शिक्षक को जब वे लोग अनुशासित देखेंगे तो छात्र भी स्वतः अनुशासित बनेंगे। बच्चों को सीखने हेतु पर्याप्त स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप शिक्षक के द्वारा नहीं होनी चाहिए। प्रकृतिवादी अनुशासन के समर्थक है, प्रकृतिवाद में जो अनुशासन हम देखे हैं उसी के समर्थक है। जी में है शिक्षक, शिक्षक इनके अनुसार शिक्षक होना चाहिए दिव्य एवं परिपक्व व्यक्तित्व वाला, पवित्र और ब्रह्मचर्य पूर्ण व्यक्तित्व वाला, दंड विरोधी प्रवृत्ति वाला, सफल मनोवैज्ञानिक, त्याग, उसमें त्याग होना चाहिए, साहस होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए और विश्व बंधुत्व की भावनाओं से ओतप्रोत होना चाहिए। शिक्षार्थी, शिक्षार्थी को शरीर एवं मन से बलिष्ठ होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, दृढ़ इच्छा तक, सत्य हेतु जिज्ञासु, सत्य की खोज करने के लिए उन्हें जिज्ञासु होना चाहिए, उन्हें दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, एकाग्र चित्त होना चाहिए, उन्हें विद्या प्रेमी होना चाहिए, विवेकशील होना चाहिए, विचारशील होना चाहिए, उन्हें कर्तव्यनिष्ठ और मानवता के धर्म के प्रति आस्थावान होना चाहिए। विद्यालय वातावरण शुद्ध, अध्ययन अध्यापन
विद्यालय जो है इसमें वातावरण शुद्ध होना चाहिए, अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था अच्छा ढंग से होना चाहिए, विद्यालय प्रांगण में खेलकूद की व्यवस्था होनी चाहिए, बच्चों को ध्यान व्यायाम भजन कीर्तन इत्यादि से युक्त विद्यालय का वातावरण होना चाहिए। इन्होंने गुरुकुल प्रणाली को सर्वश्रेष्ठ प्रणाली कहा, जो आज के युग में संभव नहीं है। आज के युग में समाज में ही विद्यालय स्थापित हो, लेकिन उसका जो वातावरण हो शुद्ध हो, उसमें खेलकूद ना खेलकूद की व्यवस्था हो, बच्चों को व्यायाम करने दिया जाए, बच्चों को ध्यान एकाग्रचित करने दिया जाए और उसका माहौल भजन कीर्तन से युक्त होना चाहिए। यही जो है स्वामी विवेकानंद के शैक्षिक विस्तार हैं। अब इसके निष्कर्ष में आएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनके बारे में लिखा है कि भारत अतीत में अधिक आस्था रखते हुए और भारत की विरासत पर गर्व करते हुए भी विवेकानंद का जीवन की समस्याओं के प्रति आधुनिक दृष्टिकोण था और वे भारत अतीत और वर्तमान के बीच एक महत्वपूर्ण संयोजक थे। थैंक्स।